हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से स्टार्ट करेंगे वेक्टर का पार्ट 4 है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th वाले बच्चे सीबीएसई के ध्यान से पढ़ लो, आपके बोर्ड एग्जाम सीधा ठोका या क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन आएगा, टेंशन ना लो। आज कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में 2 सेकंड के अंदर कैसे एमसीक्यू को सॉल्व कर पाते हो, साथ में आप कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे खासकर वेक्टर में, उसको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आज मैंने क्वेश्चन ले रखा है और नोट्स बनाया है तगड़े वाले, ऐसे क्वेश्चन जो आपको तहलका मचा देंगे और तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है, इफ द वेक्टर 2i-j+k, i+2j-3k एंड 3ik+xj+5k आर कॉम्प्लानर। देखिए, ये तीन वेक्टर दे रखा है, तीनों है कॉम्प्लानर आपका। तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब भी आपको कॉम्प्लानर आया ना एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ये न जाने कितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम और आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए कॉम्प्लानर से। देखिए क्या करना, जब भी आपको कॉम्प्लानर करना है ना, कुछ नहीं करना है, सबके कॉफिशियंट ले लो। कॉफिशियंट लेने के बाद देखिए, ये है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1i-3 हो जाएगा, उसके बाद 3x5 हो जाएगा, ठीक है ना, और इज इक्वल टू 0 होता है। कॉम्प्लानर मतलब टोटल डिटरमिनेंट जो भी होगा ना कॉफिशियंट, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 उसके बाद क्या हो जाएगा 10+3x, ये हो जाएगा, उसके बाद +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ का ये चला गया, देखिए यहाँ पर 5+9 हो जाएगा, उसके बाद +1 और ये चला गया, ये चला गया, तो क्या हो जाएगा x-6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 20 ये हो गया +6x ये हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा 14, और प्लस x-6 इज इक्वल टू 0, ये आपका वैल्यू हो गई। अब देखो 6 और +x 7x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा +34-6 इज इक्वल टू 0, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +6-34। तो क्या कर सकते हो, जल्दी से बचाओ, बताओ यहाँ पर क्या, 14 से 8 क्या 28-28, तो क्या हो जाएगा x = 28/7, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, और -4 आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। एग्जाम में ना जाने कितनी बार आपके सीबीएसई बोर्ड में, एनडीए में, एयरफोर्स में, सेम यही क्वेश्चन में भाई, नेवी में, कोस्ट गार्ड में कितनी बार ठोका गया क्वेश्चन है मेरे भाई, सीधा पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लो और अगले तहल के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी ठोक बजा देगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मैं नोट से अगला क्वेश्चन निकालता हूँ। देखिए अब आप देखिए प्रोजेक्शन वाला, ये प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन ना आपका ना दिमाग खराब कर देता है भाई, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता प्रोजेक्शन, लेकिन आज ना ऐसे समझाऊंगा ना जिगर दिमाग सब में उतार दूंगा। देखो अब देखो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i+3j+2k ऑन द वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द वेक्टर वेक्टर बी इज इक्वल टू i+2j+k। टेंशन ना लो, ये प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्शन वाला हमेशा पूछा गया है। जब भी आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए पूछे ना, और किस वेक्टर पूछ रहा है, ऑन द वेक्टर बी, तो देखो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होगा ना, सबसे पहले पता है क्या करना होगा, जब भी प्रोजेक्शन निकालना होगा याद रखना, प्रोजेक्शन निकालना होगा तो देखिए सबसे पहले ऊपर करेंगे क्या पता है a.b वेक्टर करेंगे, और नीचे किसके ऑन, किसके ऊपर करना है आपके, b के ऊपर करना है, तो b का हम यहाँ पे लेंगे मॉड। ध्यान रखना मेरे भाई, यही चीज बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं, जिसके ऊपर बोले उसके ऊपर का जो मॉड लेना है, तो यहाँ पर ऑन b वेक्टर के ऊपर मॉड लेना है, इसलिए ऐसा किया मैंने। अब देखो यहाँ पर a का क्या जाएगा 2i+3j+2k, उसके बाद डॉट क्या हो जाएगा आपका, डॉट हो जाएगा i+2j+k, ये तो आपका हो गया। नीचे b का मॉड लेना है, मतलब √1² + 2² + 1² ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2+6+2, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1+4+1, तो यहां क्या 6 2 8 2 10 10 बटा में क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो 6 हो जाएगा,
दस बटा में सिक्स हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ज्यादा इसको इजी बनाना, तो देखो दस को क्या कर सकते हो आप रेशनलाइज कर दो मेरे भाई, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो क्या जाएगा, टेन रूट सिक्स बाई सिक्स हो जाएगा। अब दो पंचे बस दस, तो देख क्या हो जाएगा। देखो यहाँ देखो मेरे भाई, सीधा ठोका गया पेपर में क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पेपर में आया है। और इसको सिंप्लीफाई करना है और मन है करने का, तो देखो क्या करते हैं, फाइव रूट सिक्स कर सकते हो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री को थ्री लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा फाइव रूट टू बाई रूट थ्री। देखो यही आपका आंसर हो जाएगा। और प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन ना आने कितनी बार पेपर में ठोका गया है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में क्वेश्चन वही जो पेपर में सीधा पूछेगा। और टेंशन ना लो, मेहनत कर रहा हूं, यहां से मेहनत कर रहा हूं, मेहनत के दम पे ही आगे जाएंगे हम लोग। देखो अब अगला क्वेश्चन जो आपके न जाने कितनी बार आपके जेई के पेपर में, न जाने कितने पेपर में पूछा गया मेरे भाई, और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए रामबाण क्लासर रामबाण, चाहे किसी भी एग्जाम का ले लो, तहलका मचा देंगे। ये जल्दी से नोट डाउन करो कम प्लानर का, उसके बाद आते हैं अगले कॉन्सेप्ट और तगड़े क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो देखो अब इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। देखो अब इसको इरेज करने के बाद तहलका मचा देते हैं मेरे भाई, तहलका मचाते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे, और कॉन्सेप्ट होगा तो कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। ये देखो अब देखो भैया, एक चीज याद रखना, जब भी टेन थीटा पूछे ना वेक्टर में, तुम्हें ये चीज पता होने चाहिए मेरे भाई, अगर नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। देखो यही चीज होता है, इसको याद रखना मेरे भाई, जिगर दिमाग गुर्दा जहां डालना है डाल लो, मगर ये चीज आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए। जब भी आपसे टेन थीटा पूछे ना, क्यों साइन थीटा कॉस थीटा दोनों निकालोगे, क्रॉस डॉट निकाल के तब डिवाइड करो, क्यों निकालना मुझे जब मुझे आता है सीधा इंप्लीमेंट करने। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइड बाई ए डॉट बी का मॉड, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेन थीटा की बारी आ गई, अब अगले कॉन्सेप्ट पे, ये कॉन्सेप्ट कोई सिखाया ना होगा, देख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टार कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जीवन में भूल गए ना मेरे भाई, तो कभी जिंदगी में आप सफल नहीं हो सकते। देखिए ये a डॉट b का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर। इससे ना जाने कितनी बार पेपर में एनडीए के, एनडीए जेई नेवी क्लास ट्वेल्थ वाले, नया पैटर्न है, उड़ा इस क्वेश्चन आएंगे ना पसीने छूट जाएंगे मेरे भाई, पसीने छूट जाएंगे अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो। इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो, ये फॉर्मूला जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप ए डॉट बी का स्क्वायर निकालोगे, ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकालोगे उसके बाद, मगर ये यूनिवर्सल तगड़ा तरीका डेरिवेशन वाला फॉर्मूला है, आग लगा दोगे सीधा पेपर में। तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। और एक और कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, बताओ वो क्वेश्चन। देखो अब देखो मान लीजिए ए बी सी डी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितनी बोलू ना उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं सारे क्वेश्चन को। आज क्वेश्चन वही होगा ना जो पेपर में आया, इज ए रेगुलर हेक्सागोन है और आपसे पूछ रहा है। देखो एक चीज, रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं हम, देखो ये उसके बाद ये और ये रेगुलर हेक्सागोन है, एक यहाँ पर सेंटर है इसका, ध्यान रख लेना मेरे भाई, ये सब कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं यहाँ से ए बी सी डी ई और एफ ये सब ले लिया मैंने, और आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ए डी प्लस ई बी प्लस ई सी इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे पूछ लिया जाए कि ये इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, और ऑब्जेक्टिव में आपको ठोक दिया गया, तो क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, कैसे सॉल्व करोगे बताओ आप, कैसे सॉल्व करोगे। देखो हमेशा याद रखना, देखो क्या है ए डी, देखो ये डायगनल है ना ए डी ई बी और क्या है ई सी, इसके बराबर तीनों के बराबर पता है क्या होगा, पता है आपको, याद रखना हमेशा आपका होगा क्या पता है, इसका रिजल्ट होता है मेरे भाई, रिजल्ट दिमाग में डाल लो, रिजल्ट होता है 4ab वेक्टर के बराबर होता है, 4ab लिख लो या AF लिख लो या BC लिख लो,
फोर ए बी वेक्टर के बराबर होता है, याद कर लो, जिगर में उतार देंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, सीधा ठोक बजा दोगे। और कोस्ट गार्ड वाले बच्चे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में सीधा। पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था वेक्टर से, याद रख लो जिगर में उतार देंगे। अब देखो ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगला कॉन्सेप्ट जो हल्का क्वेश्चन वही जो पेपर में सीधा ठोक बजा दे। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन ना आदमी का ना दिमाग खराब कर देता है। ये क्वेश्चन इन कोस्ट गार्ड में सीधा पूछा गया था, जब भी जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था ना उस टाइम ये पेपर में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इधर आइए मेरे भाई, इधर आइए और देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसका एक आध लेक्चर लेके पूरा वेक्टर समाप्त कर दूंगा। उसका कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वीडियो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या बोला था, पी वाई क्यू क्वेश्चन मेरे भाई। देखो क्वेश्चन क्या बोला था, ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू वन, और क्या दे रखा है, ए मॉड इज इक्वल टू वन, बी का मॉड इज इक्वल टू वन दे रखा है। तो आपसे a माइनस बी का क्या पूछ रहा है, इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। अब देखो, अब गुरुजी देखो क्या करना है। बहुत सारे बच्चे बताए क्या करते हैं, अब आओ अपना और बाकी पहले एक मेथड फर्स्ट मेथड बताते हैं और अपना तो शॉर्टकट मेथड है, गर्दा उड़ाने वाला तगड़ा। 2 सेकंड लगा कराएंगे सोल्यूशन। देखो यहाँ पर बच्चे करते क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर करके निकालते, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और एक निकालते ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टू ए बी ये कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको करते क्या है, देखिए इसको काट देते हैं। इसको काटने के बाद अब बच्चे करते क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टू ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। बच्चे ऐसे करते हैं, इतना रिजल्ट निकालने के बाद करते हैं, मगर हमें यू ऐसे नहीं करना मेरे भाई। जब हमें रिजल्ट पता है, क्वेश्चन का तरीका पता है, तो हम कैसे करेंगे पता है। अब वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा, हमें तो सीधा यही चीज पर याद रखना है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। जिगर में उतार देंगे फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेने का, सीधा ठोक बजाने का। यहाँ cos थीटा, किसी बच्चे को लग रहा है कि गुरुजी cos थीटा तो लिख लो ना भैया, कट जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम है हमें। तो देखो अब देखो ये आपका फॉर्मूला निकल गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला निकल गया। क्वेश्चन की क्या मजाल, जो छेरे दिलेर को गर्दिश में भी घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। देखो अब इधर आओ। देखो अब ये नोट डाउन अप कर लो, उसका तो क्वेश्चन को कैसे 2 सेकंड में ठोकते हैं। अब इसमें सारा वैल्यू पुट करना मेरे भाई, उतना सोचना नहीं है। देखो अब इधर को मैं इरेज करता हूँ, इधर को इरेज करते हुए चलता हूँ, उसके बाद ठोक देते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को कैसे ठोकेंगे, देखिए इधर आइए, देखिए अब ये दे रखा है ए प्लस बी कितना दे रखा है, देखो 1 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का क्या वैल्यू निकालना है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करना है, और क्या टू और ए की वैल्यू क्या, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए माइनस बी का मॉड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 और क्या हो जाएगा ए माइनस बी का इज इक्वल टू क्या, √3 और √3 हो गया तो प्लस माइनस √3। अब देखो भैया यही आपका आंसर होगा, देख रहे हो इस फॉर्मूले के पता होने से ये स्टेप नहीं लिखोगे ना, चल जाएगा काम। तो याद रखना जब भी ए डॉट बी फॉर्मूला रहे, यहाँ पर दोनों फॉर्मूला देख लो, अगर ए डॉट बी रहे प्लस ए क्रॉस बी रहे तो क्या होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है, ये होता है जब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट रहे। अगर पॉजिटिव और निगेटिव रहे दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। और a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर 2 लगता है, यहाँ पर क्रॉस वाला, इसलिए इधर से फॉर्मूला हुआ, यहाँ पे ये होगा, याद कर लो जिगर में उतार लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन से बच्चे की हवा गुल हो जाती है। देखिए अब इधर आइए आपको भी बताते वो क्वेश्चन क्या है। देखिए अब पी वाई क्यू क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन वही जो पेपर में ठोका गया हो,
क्वेश्चन वही जो पेपर में ठोका गया हो। चलिए देखिए, अब देखिए भैया, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम देख लिख लेते हैं। देखिए, कोई ए कॉमा बी है, ठीक है ना, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है, मतलब कहने का मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू वन दे रखा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू आठ और ए माइनस बी इज इक्वल टू आठ है दम, सॉल्व कर दो भैया, पेपर में आएगा ना तो आपके पसीने छूट लेंगे। आखिर मैं करूं क्या इसका, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं करूं क्या इसका, लेकिन हम हैं तो क्या गम है। देखिए, अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आपको निकालते हैं ए प्लस बी को निकालना है, ए प्लस बी को निकालना है, ए प्लस बी को निकालना है। तो देखिए, ए प्लस बी के लिए सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। गुरुजी, इतना तो हमें पता है, ये चीज हम कर सकते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, a प्लस बी निकालना है, इसकी वैल्यू 1 है भैया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब यहां तक कोई दिक्कत है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ना है दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे इसको इरेज करते हैं। देखिए, अब आगे देखिए क्या होता है, आगे तमाशा और तहलका, क्वेश्चन वही जो पेपर में ठोका गया हो। टेंशन ना लो, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, मेहनत करने की ना जिद है, यहां से जिद निकलती है, यहां से पसीना निकालता हूं, यहां से पसीने। देखो, अब यहां तक आ गया, उसके बाद आपको ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू प्लस टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, टू वन प्लस कॉस थीटा। देखो, ये हो गया, तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। इतना तो समझ में आ गया ना मेरे भाई, अब इतना नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं हम, जब आप मेहनत करना ही नहीं चाहते तो। अब देखो, यही चीज आ गया, अब क्या करोगे आप, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अब देखो, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा बाई टू। यही आपका ना आंसर है। एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या ठोकता है। अब देखो, एग्जाम की बारी है और हमें तो ना छोड़ेंगे एग्जाम को हमें ना छोड़ना सर, हम क्यों छोड़ दे एग्जाम को, जब एग्जाम मुझे तर पाता है। वेक्टर लगा लो सब पे, वेक्टर लगा लो, क्योंकि पेपर में वेक्टर लगा के पूछा गया था। अब एग्जाम हमें तर पाता है तो हम एग्जाम को तर पाएंगे। देखिए, अब आपको एग्जाम में कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू पूछता है, मेरे भाई, थीटा बाई टू, ये ध्यान रखना, जिगर में डाल लेना है मेरे भाई। अब देखो, कॉस थीटा बाई टू को ये से हो गया, अगर यहीं पर साइन थीटा की वैल्यू पूछे ना, यहीं पर देखो, अब देखो, ये माइनस बी का वेक्टर बाई इसके बराबर क्या हो जाएगा पता है क्या, टू साइन थीटा बाई टू, ये होगा। देखो भैया, ए प्लस बी टू कॉस थीटा बाई टू, ए माइनस बी टू साइन थीटा बाई टू। इसको भी प्रूफ कर दूं क्या, बोलो जल्दी से, प्रूफ करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अगले लेक्चर में प्रूफ कर दूंगा मेरे भाई, मेहनत करता हूं, ऐसे नहीं पसीने बहाते। देखिए, अब यहाँ पे साइन थीटा पूछ ले आपको, साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई टू, याद रखना, जिगर में उतारेंगे। निगेटिव जैसे ही आएगा साइन थीटा बोलेगा मैं हूं, अगर पॉजिटिव आ गया तो कॉस थीटा बाई टू बोलेगा मैं हूं। तो याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो भैया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीधा पेपर में आते हैं। एनडीए एयरफोर्स बेबी कोस्ट गार्ड वाले बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सीबीएसई वाले भूल ना जाना। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोकना बिल्कुल ना भूलना, थोड़ा भी देख लोगे ना जिगर में उतर जाएगा मेरे भाई, ऐसे पढ़ाता हूँ। और टेंशन ना लो, पूरे तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा। और इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ले चुका हूँ वेक्टर के, जाके देख लेना, वेक्टर में अगर प्रॉब्लम हो गई ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एग्जाम कोई भी हो, फोड़ना हमें आता है, मेहनत की जंग हम जरूर जीतेंगे।